बूढ़े बाप की बीमारी हद से ज्यादा बढ़ रही थी। हाँ हाँ तुसी दस बोरियां ना सीमेंट दियां चढ़ा। पुत्र है। हाँ बाबा। पुत्र है। मैंने डॉक्टर को बोला मेरी तबीयत बहुत खराब है। ओ बाबा एक घंटा पहले तो तेनू डॉक्टर को लेके गया सी, हुण फिर ला जा। तू हर टाइम डॉक्टर डॉक्टर करता रहना, तेन पक्का पक्का डॉक्टर को ना छड्डा वा। एक तेरी बीमारी ने तंग किया होया, दूजा मैं मकान भी बनाना, मैं किथे किथे पैसे लावा। यार मैं बाहर खड़ा आया वा, जल्दी आ जा। मैं कितों ना तेरा इंतजार कर रहे हैं। आया यार दो मिनट रुक जा, अब बुड्ढे को तो जान छड़ा लवा। बाबा बाहर मेरा दोस्त इंतजार कर रहा वा, तो मैं जरूरी काम जाना वा। रात नूं जदों आया ना तो मैं आ दूंगा तेरी दवाई, हुण चुप करके बैठा रही। पुत्र और प्यो ना ज्यादा अजीज तेनू दोस्त हो गए, तेरे प्यो की जान जा रही है, तेनू दोस्त भी पई रही है। ओ बाबा नहीं निकलती जान तेरी, मेनू सौ काम होंगे आ, इस बीमारी तो अलावा भी मेनू कोई काम कर लैन दिया कर। जालिम बेटा अपने बूढ़े बाप को दवा लेकर देने की बजाय अपने दोस्त के पास बाप को अकेला बीमार छोड़कर चला गया। ओ किदों दा मैं तेरा इंतजार करिए ना, इन्नी देर लाती तू। ओ यार तेन की दसा, अब बाबे दियां बीमारियां नहीं मुकदियां पईयां, हुण भी यही बहस लैके बैठा होया सी। चल तू जल्दी चल। अज ते 5000 मैं ही जीतूंगा। हेलो ओ यार अर्शद जल्दी कर आ, तेरा अब बहुत हो गया है। अपने प्यो नूं तेरी सजा यही है, तू हुण इत्थे बह के रोंदा रहा सारी उम्र वास्ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों में से एक निशानी इरशाद फरमाई कि कुर्बे कयामत लोग अपने वालदैन से दूर हो जाएंगे और अपने दोस्तों के नज़दीक हो जाएंगे। और आज होता भी ऐसे हैं कि वालदैन कुछ भी कहते रहें हम उनकी बात नहीं मानते, दोस्त एक फ़ोन कॉल करें तो हम दौड़ कर चले जाते हैं। तो दोस्तों अपने वालदैन के मरने से पहले पहले उनकी कदर करो, इससे पहले कि वो दुनिया से चले जाएं।